मुझे ये बिस्किट चाहिए। ओके, 5 वर्ड्स। तो फिर मैं तुम्हें ये बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकती। नेक्स्ट। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सच में ऐसा गाइस, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ। जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। ये कितना टेस्टी था, पर मुझे अभी भी भूख लगी है। डॉली, क्या तुमने अपना बिस्किट खा के खत्म भी कर दिया? ये लो। चिंकी, क्या तुम श्योर हो? अब अपने वर्ड सेव करके रखो, ओके? हमें और वर्ड्स की जरूरत है क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब हमारे बीच पहले से ज्यादा पेट है और उन्हें भरने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बिस्किट के टुकड़े से हम आधा दिन भी गुजारा नहीं कर सकते हैं। डॉली अभी भी भूखी है, अब तो उसकी ठीक से ग्रोथ भी नहीं हो रही है, उसे और खाने की जरूरत है। डॉली को बात करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चिंकी, हम सबको बात करना अच्छा लगता है, हम बस मजबूर हैं। हम एक दूसरे से बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। अगर हमें अपना पेट भरना है तो हमें डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी। शायद बस इतना ही। क्या मतलब? अगर मैं चुपके से पैलेस में घुस जाऊं और वहां पे किसी एक क्राउन पर भी मेरा हाथ लग गया या किसी एक नेकलेस पे भी मेरा हाथ लग गया, तो हमारे पास इतने वर्ड्स हो जाएंगे कि हमारा 1 महीने का गुजारा आराम से हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास थोड़ा टाइम भी हो जाएगा कुछ सेविंग करने का, और क्या पता हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चिंकी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अगर क्वीन ने तुम्हें चोरी करते पकड़ लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है डॉली 1 महीना भी सरवाइव ना कर पाए। हाँ, hey, तुम कौन हो और ये तुम क्या कर रही हो? मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ जल्दी बोलो, मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। मुझे कुछ वर्ड्स की जरूरत है खाना खरीदने के लिए, उसके अलावा मुझे किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। और तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? दिखाओ मुझे कि तुम्हारे हाथ में क्या है। मैंने कहा कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। तुम मेरे पैलेस में चोरी कर रही थी, तुम्हें पता है ये एक जानलेवा अपराध है। मदर, प्लीज प्लीज मेरी जान मत लो। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, यहाँ पर एक ही लॉ है और हम सबको वो फॉलो करना ही पड़ता है। मुझे तुम्हें क्वीन के हवाले करना ही होगा। प्लीज, ये एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। उसका नाम डॉली है और वो एक अनाथ है। उसे बातें करना और गाना गाना बहुत पसंद है और वो कभी भी अपने वर्ड्स खाने के लिए बचा के नहीं रख पाती। सुन के लगता है कि वो एक नादान है। वो एक 7 साल की छोटी बच्ची है और वो भूख से तड़प रही है। उसे वही खाना मिलता है जो मैं उसे देती हूँ, इसलिए अगर तुमने मेरी जान ले ली तो समझना कि तुमने उसकी भी जान ले ली। तुम एक अनाथ बच्ची के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने आई थी, पर क्यों? वो मेरी छोटी बहन जैसी है। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, पर ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। और हाँ, यहाँ दोबारा कभी भी चोरी करने वापस आने की सोचना भी मत। सुना तुमने? हाँ, मैंने सुन लिया और मैं समझ भी गई। मेरे पास ज्यादा वर्ड्स नहीं है, पर थैंक यू। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम मेरी मदर के हाथ लग गई तो वो तुम्हारे साथ इतनी काइंड नहीं रहेंगी। यहाँ क्या हंगामा चल रहा है प्रिंस रोहन? सब ठीक तो है ना? हाँ मदर, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम कौन हो रोहन? क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है? हाँ मदर, मैं अभी आपको सब कुछ समझाता हूँ। दरअसल बात ऐसी है मदर कि ये, जैसा कि आप देख सकती हैं कि ये मेरी कजिन रोजी है, जो टाइम से पहले ही आ गई है। एक हफ्ते पहले ही। प्रिंसेस रोजी अपने पिक्चर से काफी अलग दिखती है, काफी ज्यादा गंदी। प्रिंसेस तुम इतनी शांत क्यों हो? चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा? इसके वर्ड्स खत्म हो चुके हैं मदर, मैं कल सुबह ही इसे मार्केट लेकर जा रहा हूँ। well, इसको ज्यादा वर्ड्स खरीद के मत देना, इसकी मदर ने बताया मुझे इसको बड़बड़ाने का कितना शौक है। खैर, उससे पहले इसे कह दो कि ये जाकर अच्छे से नहा ले। मदर तो आपको सुन सकती है। हाँ तो अच्छी बात है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे कुछ वर्ड्स खरीदने। और हाँ, शाही दरबार से राइट साइड मुड़ते ही जो दूसरा वाला रूम है वो मेरा रूम है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता दें। आइदर वे, मुझे अभी तक तुम्हारा रियल नेम नहीं पता चला। मेरा नाम रोहन। गुड नाइट चिंकी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना होगा। यस, इससे हमारा काम हो जाएगा। चिंकी, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। चिंकी, क्या तुम वॉशरूम में हो? कम से कम मुझे एक बार प्रिंस रोहन से बता देना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। नहीं, अगर उसने मुझे इस बार माफ नहीं किया तो। हाँ, ये कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, ये तो बहुत कीमती है। मैं इसके बदले तुम्हें 1,00,000 वर्ड्स दे सकती हूँ। क्या आप इन वर्ड्स को हम सबके बीच इक्वली डिवाइड कर सकती हैं? यस मैडम, क्यों नहीं। बहुत
सारा खाना खाओ। थैंक यू सो मच चिंकी। डॉली तुम अपने वर्ड्स को खाने के लिए और सर के ऊपर छत के लिए बचा के रखो और कोशिश करो कि मुख कम से कम चलाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी चिंकी। तो यहाँ हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? ये इतना आसान नहीं था। मैंने पूरी सिटी का एक एक कोना छाना और फिर तुम मुझे यहाँ मिली। तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। मैंने अपनी मदर से बोल दिया है कि तुम मेरी कजिन हो। मैंने तुमसे ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। ओ हेलो, मैं तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम हमारे पैलेस से चोरी करते हुए पकड़ी ना जाओ। अगर मेरी मदर को तुम्हारा उस दिन पैलेस में आने की असली वजह पता चल गई तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। तो तुम मुझे यहाँ एग्जैक्टली क्या सलाह देने आए हो? ओ तो तुम वापस आ गई। आई रियली होप तुमने अब तक कुछ वर्ड्स खरीद लिए होंगे क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुमने अभी तक खुद को साफ नहीं किया है। सॉरी योर मैजेस्टी, वो मैं। ओ डार्लिंग, मुझे आंटी कहकर बुलाओ, यहाँ हम सब इक्वल्स हैं। आंटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जाके फ्रेश हो सकती हूँ? ऑफ कोर्स डार्लिंग, और क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी ड्रेस है? मदर यहाँ आते वक्त इसका लगेज जहाज में ही कहीं खो। ओ बेचारी, तभी मैं सोचूं कि तुमने दो दिन से वही कपड़े क्यों पहने हैं। टीना, यस योर मैजेस्टी, मेरी प्यारी बच्ची को ले जाकर एक अच्छी सी ड्रेस पहनाओ। यस योर मैजेस्टी, मेरे पास प्रिंसेस के लिए एक परफेक्ट ड्रेस है। थैंक यू आंटी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, आखिरकार हम एक फैमिली है ना। हाँ, हम एक फैमिली ही तो है। आप बहुत सुंदर लग रही हो प्रिंसेस रोज। कौन? ओ सॉरी, क्या आपका नाम रोजी है? आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत बोला तो। हाँ राइट, मेरा नाम रोजी है, प्रिंसेस रोजी। एंड थैंक यू सो मच टीना मुझे इतना अच्छा मेकओवर देने के लिए। मैडम आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये आपका पहला मेकओवर है। हाँ। क्या मेरा मतलब है आज से पहले मुझे किसी ने इतना अच्छा मेकओवर नहीं दिया था। आपको तो बचपन से ही ऐसे सुंदर सुंदर मेकओवर की आदत होगी ना। ओके प्रिंसेस मैं चलती हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ। वाओ आंटी, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कि मैं इस रूम में अकेली हूँ। मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है डियर, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी। हाँ आंटी पूछिए ना। तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, आपका मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मुझे मेरी सिस्टर का खत मिला जिसमें उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी सिस्टर की बेटी रोजी बहुत बीमार पड़ गई है जिसकी वजह से अब वो वेकेशंस के लिए मेरे राज्य नहीं आ पाएगी। और यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी सिस्टर की बेटी जिससे मैं पहली बार मिलने वाली थी वो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। तो मुझसे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? प्लीज प्लीज मेरी जान मत लीजिए। झूठी और मक्कार लड़की हो। मदर यहाँ क्या चल रहा है? रोहन तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहा हूँ? आप कहना क्या चाहती हैं मदर, ये तो मेरी कजिन है ना। ओ कम ऑन रोहन, अब तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम दोनों मिलकर साबित क्या करना चाहते हो। वेल, मेरे पास इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है मदर, आपको जानना है ना कि ये कौन है तो सुनिए। ये मेरी होने वाली वाइफ है। क्या? क्या रोहन, क्या तुम्हें सच में ये तुम्हारी कजिन लगी थी? क्योंकि हम कजिन्स में शादी नहीं करते रोहन। नहीं मदर, मुझे हमेशा से पता था कि ये मेरी कजिन नहीं है, पर मुझे लगा था कि शायद आप सच जानकर हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगी और इसीलिए तुमने उसको अपनी बहन बना दिया। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि आप हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को हमारे पैलेस में रहने की इजाज़त आसानी से दे देंगी और एक बार आप इसको करीब से जान लेती और इससे उतना ही प्यार करने लगती जितना मैं करता हूँ तो आपको मैं सब सच बता देता कि हमने इंगेजमेंट कर ली है। तुम्हें क्या लगता है रोहन, जब मैं कभी तुम्हारे रूम में आती और तुम दोनों को गुलू गुलू करते पकड़ लेती तो मैं क्या सोचती? मदर मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, ये सब तो शादी के बाद ना। आई एम सो सॉरी पर ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इस समय मुझे आराम की जरूरत है। चलो एटलीस्ट जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपना नजरिया बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें क्या सच में लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बुरा नहीं था? क्या तुम क्वीन से प्लीज झूठ बोलना बंद करोगे? मैं बस तुम्हारी जिंदगी अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इतना बुरा होगा? हाँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक पैलेस में नहीं बिताना चाहती जहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम ये सोचने में होती है कि डिनर में मटर पनीर खाऊं या शाही पनीर। वहां मैं इस दुनिया से बाहर निकल करके जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहती हूँ। ओह
ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं मदर से कह दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और फिर तुम वापस जाकर अपनी चोरी चकारी फिर से चालू कर सकती हो और फिर देखते हैं ऐसा करके तुम इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाती। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने वही करा जो मुझे और मेरी दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए करना पड़ा। खैर तुम ये सब कहाँ समझोगे, तुम हमारा दर्द कभी नहीं समझ सकते। चिंकी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम वहाँ से भागी क्यों, मैं अपने वर्ड सेव नहीं करूँगी। क्योंकि वो सब हकीकत नहीं था, ना तो मैं उसकी कजिन हूँ और ना ही उसकी फियांसे, वो सब बस एक नाटक था। पर उसके लिए तुम्हारा प्यार सच्चा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है चिंकी, ये सब बकवास है, मेरी जैसी लड़कियों की जगह वैसी जगहों पर नहीं है। चिंकी तो फिर हमारे जैसी लड़कियों की जगह कहाँ है? चिंकी चिंकी कहाँ हो तुम? प्रिंस रोहन, रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चिंकी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मैं इतने कम टाइम में अच्छा आइडिया सोचने में माहिर नहीं हूँ, पर बात बहुत आगे बढ़ गई है। हमारा झूठ अब एक अफवाह बनके पूरे पैलेस में फैल गया है और पैलेस के सभी लोगों को लगता है कि मैं अपनी कजिन से प्यार करता हूँ। ओह नो, बट शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये सच है। ओह माय गॉड, तुम अपनी कजिन से प्यार करते हो? नहीं, मेरी असली कजिन नहीं, तुम, और तुम मेरी कजिन नहीं हो जो कि सिर्फ हम जानते हैं। वेल थैंक गॉड हम कजिन्स नहीं है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है रोहन। डॉली मैंने तुमसे किसी की बातें चोरी छुप के कान लगा के सुनने के लिए मना किया था ना। सॉरी रोहन, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इन सबको यहाँ मेरी जरूरत है। नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डॉली की बच्ची तू जाती है, मैं आऊं। चिंकी मुझे पता है उन्हें तुम्हारी जरूरत है, इनफैक्ट हमारी पूरी सिटी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम ही हो वो जो जरूरतमंदों का सहारा बन सकती हो। तुम इस शहर के हालात पूरे तरीके से बदल सकते, तुम्हारे अंदर वो बात है चिंकी जो लोगों को सड़क से महल तक पहुंचा सकती है। जब से मैंने तुम्हारे मुंह से सुना जो कुछ भी तुम डॉली के लिए कर रही हो, तब से मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा कि हमारे शहर में जो कुछ भी चल रहा है हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हम एक साथ मिलकर करें, एक फ्यूचर किंग और क्वीन बनकर। तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम मुझसे शादी? उसकी तरफ से हाँ है। डॉली पर तुम्हारी मदर, उनका क्या? मदर यहाँ नहीं है, हमारी बातचीत के बाद ही पहली फ्लाइट पकड़कर वो लंदन चली गई। अब वो कुछ समय के लिए यहाँ नहीं होंगी और उसी दौरान हम एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना लेंगे जरूरतमंदों के। तो तुम्हारा क्या कहना है? ओह माय गॉड, चिंकी ने हाँ बोल दिया। शादी हो गई।